नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं साम टीवी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, लेकिन इन सब के बीच एक खबर चुनावों की तारीख के ऐलान से पहले और चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद भी उठ रही थी कि शिवराज सिंह चौहान जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, लेकिन वो इस बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं होंगे या ही उनका चेहरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अब तक यानी चुनावों की तारीख के ऐलान के बाद तक सिर्फ और सिर्फ अपने सिंबल यानी कमल के फूल और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ने जा रही है। यानी शिवराज सिंह चौहान को ट्रैक से अलग कर दिया गया है, उनसे कह दिया गया है कि इस बार आप मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं होने जा रहे। लेकिन लोगों को लग रहा है कि शायद ये फैसला इसलिए लिया गया कि एक लंबे वक्त से वो काम कर रहे थे, उन्हें आराम देना होगा। कोई अंधभक्त ये कह रहा है कि शिवराज सिंह चौहान एक बहुत भरोसेमंद व्यक्ति हैं, ऐसे में उनको आराम देकर कोई नई रणनीति बनाई जाएगी। कोई कह रहा है कि साहेब चाहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भाई अब नए चेहरे को उतारा जाए। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इन सब के बीच एक बहुत बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो खबर भी है और वो इतिहास के पन्नों में छिपी हुई है। बात 2013 की आप कर 23 की कर रहे हैं तो 10 साल पुराने पन्ने आपको पलटने होंगे। 10 साल पुराने पन्ने इसलिए पलटने होंगे कि शिवराज सिंह चौहान के जो पर आज काटे जा रहे हैं, जो जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है, मुख्यमंत्री होते हुए भी उनको चेहरा घोषित नहीं किया जा रहा है, इन सब की कहानी, इन सब की पटकथा 10 साल पहले यानी 2013 में ही लिख दी गई थी। आप सबको पता ही है कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। सबको यह भी पता होगा, याद भी होगा 2013 में किस तरीके से गोवा में एक अधिवेशन भारतीय जनता पार्टी का हुआ था, उसमें ही गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी के नाम पर मोहर लगी थी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। तो नरेंद्र मोदी के नाम पर जो मोहर लगी थी वो गोवा अधिवेशन में लगी थी भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन इन सब के बीच आपको एक चेहरा और याद होगा, वो चेहरा था शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान जो है वो भी एक मिस्टर क्लीन के तौर पर तब तक पहचान रखते थे, मिस्टर क्लीन के तौर पर पहचान रखते थे। वो किसी विवादों में जुड़े हुए नहीं थे, तमाम चीजें थी। और दो ही भारतीय जनता पार्टी शासित जितने भी राज्य थे उस वक्त 2013 में, सबसे ज्यादा दो ही चेहरों की और नाम की चर्चाएं हुआ करती थी। वो एक नाम था नरेंद्र मोदी का और दूसरा नाम था शिवराज सिंह चौहान का। नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल था वो 2001 से शुरू हुआ था मुख्यमंत्री के तौर पर गुजरात में, और 2014 में तब तक चलता रहा जब तक वो प्रधानमंत्री नहीं बन गए। यानी तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 2014 यानी तकरीबन उनके 13 से 14 साल रहे। 2005 में पहली बार मध्य प्रदेश की कमान शिवराज सिंह चौहान ने संभाली थी। इन सब के बीच 2018 में उनके हाथ से कमान गई और एक बार फिर से 2020 में वो मुख्यमंत्री बन गए जब 2 साल कमलनाथ रहे थे। यानी अगर मोटा मोटा देखा जाए 2014 तक तो तकरीबन 8-9 साल शिवराज सिंह चौहान भी मुख्यमंत्री रह लिए थे। फैक्टर क्या काम कर रहा था? फैक्टर ये काम कर रहा था कि एक तरफ गोधरा कांड जैसी चीजों को लेकर नरेंद्र मोदी जी की साख पर पट्टा लगाने का काम किया जा रहा है। साख पर पट्टा लगा हुआ था, विवादों से नाम जुड़ा हुआ था, तमाम चीजें थी। लेकिन दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान के नाम पर कोई भी ऐसा विवाद नहीं था, कोई भी ऐसी घटना नहीं, व्यापन घोटाले वगैरह ये तो बाद में चीजें निकली हैं, लेकिन उस वक्त तक चर्चाएं होती थी। लेकिन कोई भी शिवराज सिंह चौहान के चरित्र, चाल चरित्र, चेहरे पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, कोई बोल नहीं सकता था। यानी कुल मिलाकर ये तय हो चुका था कि जैसे ही शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे आता है तो एक वर्ग काम कर रहा था उसके। लेकिन कमान किसको मिली? सबको पता है, नरेंद्र मोदी को कमान मिली। उसके बाद ही शिवराज सिंह चौहान के बुरे दिन शुरू हो गए। दरअसल ये बात आप ना माने या माने मैं नहीं जानता, लेकिन ये हकीकत है और ये वैसे आप लोग मानेंगे। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही मोदी शाह के अंडर में आई, कहा यह जाता है कि इस जोड़ी के खिलाफ जब जब किसी ने बोला वो पार्टी में या तो रह नहीं पाया या फिर पार्टी में रहते हुए उसकी हालत यह कर दी गई, आखिरकार उसने राजनीति से या तो संन्यास ले लिया या खुद ही पार्टी छोड़कर चला गया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के सियासी गलियारे में बातचीत चलती है। 2013 में जो सबसे बड़ा चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहा था वो शिवराज सिंह चौहान था, और वहीं से स्क्रिप्ट शुरू होती है जिसके बाद एक के बाद एक घोटाले मध्य प्रदेश के अंदर से निकलने लग जाते हैं, जिन बातों को दबाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी से लेकर उनकी तमाम सरकारें करती रही, जो चुप्पी साधते रहे, वो 2014 के बाद से एक के बाद एक चीजें निकलने लग जाती है एक एक करके। आप पूरा मगज में घुमाइएगा चीजें, अगर आप जैसे ही जो घड़ी का भैया होता है उसे पीछे लेकर जाएंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरह से 2014 के बाद से ही शिवराज सिंह चौहान की इमेज पर डेंट लगने लग गया था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि 2020 में जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री दोबारा से बने, 2023
कि तकरीबन इसी साल में आप 3-4 महीने पीछे चले जाएंगे। ये पूरा का पूरा गोदी मीडिया जो है, वो पूरा का पूरा गोदी मीडिया किस चीज़ का हल्ला काटता था, शिवराज सिंह चौहान ये भाजपा की सरकार बनेगी मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान ये वो, मैं मध्य प्रदेश के दायरे में सिर्फ बात कर रहा हूँ। लेकिन पिछले 1.5 महीने मैं ज़्यादा भी नहीं जाऊँगा, 1 महीने से ऐसी कहानी बन रही है, गोदी मीडिया खुद खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान की आलोचना कर रहा है, ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है शिवराज सिंह चौहान में दम नहीं बचा, शिवराज सिंह चौहान सियासी तौर पर फेल हो चुके हैं, सियासी तौर पर नाकाम हो चुके हैं, ये दिखाने की कोशिश गोदी मीडिया कर रहा है। आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि गोदी मीडिया की इतनी हिम्मत हो जाएगी कि गोदी मीडिया खोलकर ये बात कह पाए, वो भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के एक मुख्यमंत्री के लिए वो ये कह सकती है। सोचिए जब वो मणिपुर को लेकर राष्ट्रपति शासन की मांग भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता से नहीं कर सकती, वो एक चुने हुए जहां कोई ऐसा मसला है नहीं वहां के मुख्यमंत्री की बुराई कर सकती है, यानी ये पूरा का पूरा एजेंडा भाजपा के दफ्तर से ही आया, क्योंकि ये बात किसी छिपी नहीं है, मैं खोल कर कह रहा हूं, ये विश्लेषण है मेरा, हो सकता है गलत भी हो, आपको गलत भी लग रहा हो, लेकिन आप सोचिएगा, ये इसलिए है क्योंकि 2018 के बाद एक पूरा का पूरा सिनेरियो बनता है। 2018 में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं, अचानक से खबर आती है कि रमन सिंह चुनाव हार गए, मतलब छत्तीसगढ़ उनके हाथ से चला गया है और मध्य प्रदेश चला गया है शिवराज सिंह चौहान के हाथ से। इन सब के बीच मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सिंह चौहान 2 साल बाद वापसी करते हैं। आप कहेंगे देखिए सत्ता में आए तो सही, केंद्र ने मदद तो की, आप यही बात नहीं समझ पाते हैं। दरअसल दो तरीका होता है, एक अपने दम पर जब आप तरक्की पाते हैं, जब अपने दम पर सत्ता पाते हैं, अपने दम पर नौकरी पाते हैं, प्रमोशन पाते हैं, तो आप किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते, आप किसी को जवाब देने के लायक नहीं होते। आप ये नहीं कि मैं किसी को जवाब दूंगा, कोई किसी की वजह से नहीं जीता, मेरी लोकप्रियता थी, मेरी मेहनत थी, ये तमाम चीज़ें, लेकिन कोई आपके लिए सीढ़ी लगाने का काम करता है, सीढ़ी पकड़ने का काम करता है, तो कहीं ना कहीं आपके मन में आता है कि उसने मेरी मदद की है। यही काम ये जोड़ी लगातार करती रही, इनका एक ही काम है। पार्टी के खिलाफ बैग रहकर कोई इनकी आलोचना नहीं कर सकता, आलोचना करेगा तो उसे या तो पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा या फिर इस तरह की हालत कर दी जाएगी कि वो किसी भी कीमत पर या तो खुद संन्यास ले ले या पार्टी से बाहर खुद ही चला जाए, या फिर ऐसा कर दिया जाता है, इतना ऑब्लाइज कर दिया जाता है वो दिन रात इनके ही गुणगान गाता है, जबकि इनसे बेहतर प्रदेश चलाने का उसको आदमी को अनुभव हो। एक नाम मैं आपके सामने जहन में लाना चाहता हूं, प्रवीण भाई तोगड़िया। प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ क्या कुछ हुआ ये हर कोई जानता, आप प्रवीण भाई तोगड़िया बस गूगल करिएगा। इसी सरकार में भरी सिक्योरिटी में वो रहने वाले व्यक्ति, वो अचानक से एक किनारे पर पड़े, सड़क किनारे पड़े हुए पिटे हुए पाए जाते हैं। क्यों? कोई तो कोई वजह होगी, उसके आज तक खुलासा नहीं होगा, भी नहीं, वो तभी होगा जब सत्ता से ही लूट जाएंगे। खैर इन सब के बीच शिवराज सिंह चौहान के पर तभी से काटने लग गए थे, जो 2 साल सत्ता से बाहर रखकर इनको बताया गया कि शिवराज सिंह चौहान आईना देख ले वो है क्या। 2 साल बाद सत्ता इन्हें बड़े एहसान मंद होकर सौंपी गई थी और अब इतनी हिम्मत शिवराज सिंह चौहान की नहीं है कि आज उनका पट्टा काटा जाए तो वो जवाब सवाल पूछ पाए, ये कह पाए कि क्यों मेरे विधायकों का टिकट काटा गया, मंत्रियों का काटा गया, मेरे को क्यों साइडलाइन किया जा सकता है, किया जा रहा है, ये तमाम सवाल आज खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान पूछ नहीं सकते। यही तो चाहते हैं जोड़ीदार, और क्या। नमस्कार, सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।